क्या आपको मालूम है कि हमारे पूर्वज कौन सा ड्रिंक पिया करते थे? क्या आपको मालूम है कि राजा महाराजा पहले किस जमाने में कौन सा ड्रिंक पिया करता था? जी आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ये है वो ड्रिंक्स, सोमरस, महारानी महानसर का सोमरस। सो फ्रेंड, आज मैं सोमरस का ही रिव्यू करने वाला हूं। राजस्थान का स्कॉटलैंड कहाँ है मालूम है आपको? महानसर बोलकर एक रीजन को, और उस रीजन में बन के आई है महारानी महानसर सोमरस। तो सोमरस क्या है? क्या ये व्हिस्की है? क्या ये रम है? जिन है? वोडका है? तो फिर ये क्या है? फ्रेंड्स, ये राजस्थान का हेरिटेज लिकर है और ये कम्प्लीटली एक अलग काइंड ऑफ ड्रिंक है। राजपूतों की शान है ये ड्रिंक जो आज हमारे और आपके घर में आ गया है। जी हाँ, अभी हम लोग इसको आराम से अफोर्ड कर सकते हैं, और उसका सबसे बड़ा रीज़न है राजस्थान गवर्नमेंट जो बहुत सारा सब्सिडी दे के रखा है, सो दैट हम आम आदमी इस बेहतरीन ड्रिंक का आनंद उठा सके। महारानी महानसर सोमरस को आपकी खिदमत में पेश किया है शेखावती हेरिटेज हर्बल प्राइवेट लिमिटेड। तो आज जब मैं ये डिसाइड किया कि इस शाही ड्रिंक को रिव्यू करेंगे, आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे हमारे एंशिएंट टाइम का अल्कोहल के बारे में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना महाराजाओं जैसा गेटअप लगाया जाए। तो कैसा लग रहा हूँ महाराजा, लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ? तो चलिए आज करते हैं रिव्यू सोमरस का। पहले मैं अनबॉक्सिंग करूंगा, अनबॉक्सिंग मतलब इसको बॉक्स से निकालूंगा। क्या शाही बॉक्स पैकिंग है ये देखिए, हर एक तरफ आपको ना दिखेगा ये एक शाही ड्रिंक है। ये देखिए कि पीछे हाथी और सामने शोर है जो महाराजाओं का शोर हुआ करता है, और ये एक बुक जैसा लग रहा है, बहुत ही फैंटास्टिक पैकेजिंग है, और इसके अंदर में है वो शाही ड्रिंक सोमरस। तो मैं खोलता हूँ, ये रहा वो शाही ड्रिंक्स, और साथ में ये नोट भी है जो आपको दिया जाता है, आप पढ़िएगा ज़रूर जब खरीदिएगा। और ये है वो शाही ड्रिंक, ये देखिए कितना फैंटास्टिक पैकेजिंग है, बहुत ही प्रीमियम पैकेजिंग है। और ये बॉटल को मैं निकाल लेता हूँ और यहाँ पर रखता हूँ, और बॉक्स को तब तक थोड़ा सा पीछे रख देते हैं। पहले मैं बोलूँगा कि क्या शानदार ये बॉटल है, एक बार ध्यान कीजिए इस बॉटल के ऊपर। यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है महारानी महानसर, और नीचे लिखा गया है सोमरस। आप अगर नोटिस करेंगे तो देखेंगे प्रीमियम हेरिटेज लिकर लिखा हुआ है, ये एक विंटेज एडिशन है, और ये बॉक्स के ऊपर लिखा भी है। सबसे बेहतरीन बात अगर आप नोटिस करेंगे तो देखेंगे कि इस बॉटल से को शॉर्ट जैसा बनाया गया है। ये देखिए, ऐसा करके पकड़ेंगे तो लगता है ना कि मैं टीपू सुल्तान बन गया हूँ। ये देखिए शॉर्ट जैसा है ना, ये शार्प हो रहा है यहाँ पर, और फैंटास्टिक बॉटल मैं बोलूँगा, क्योंकि ये देखिए ये क्रिस्टल क्लियर ग्लास बॉटल है जहाँ से आपका ये जो अल्कोहल है क्लियरली दिखती है। साथ साथ मैं बोलूँगा कि ये एक फैंटास्टिक ग्रिप आपको प्रोवाइड कराता है, आप यहाँ से पकड़ के आराम से अल्कोहल को पोर कर सकते हैं, और ये बॉटल का जो साइड ग्रिप है ये भी आप आराम से पकड़ सकते हैं बॉटल को और पोर कर सकते हैं। नीचे का बेस भी बहुत कंफर्टेबल एक ग्रिप देता है क्योंकि नैरो होने के कारण। तो बॉटल डिज़ाइन की अगर बात करूँ तो ये काफ़ी प्रीमियम लगते हैं, शाही एक फील देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका बहुत बड़ा इतिहास है जो मैंने ऑलरेडी मेरे पिछले वीडियो में कवर कर चुका हूँ, जो आई बटन में क्लिक हो रहा है वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। पिछले वीडियो में मैंने शाही गुलाब का रिव्यू किया था, काफ़ी अमेजिंग वो वीडियो बना था, और वहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर किया। आज मैं कवर करूँगा कि क्या है ये शाही ड्रिंक, कैसे इसको बनाया गया है और कैसे आपको पीना है, क्योंकि ये ड्रिंक तो ना व्हिस्की है, ना रम है, ना जिन है, ना वोडका है, ये एक हेरिटेज लिकर है, तो इसको पीने का भी एक अलग ही यू नो प्रोसेस होगा, तो वो भी हम लोग बात करेंगे। तो पहले क्लियर करूंगा कि क्या है ये ड्रिंक और कैसे बनी है। 1768 में महानसर फोर्ट स्टैब्लिश हुआ था, और उन दिनों एक अल्कोहलिक ड्रिंक बहुत फेमस हुआ था जिसको कहा जाता था राजबाड़ी दारू, जो स्पेशली सर्व किया जाता था उन रॉयल फैमिलीज को, जो एक सीक्रेट रेसिपी थी और सिर्फ उन रॉयल फैमिलीज को ही मालूम थी कि उसका रेसिपी क्या है, किसी को मालूम नहीं था। बट इन सीक्रेट रेसिपीज को आज आपके सामने पेश किया है शेखावती हेरिटेज हर्बल प्राइवेट लिमिटेड। हालांकि आज भी ये सीक्रेट रेसिपी है, किसी को पता भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये महानसर फैमिली को पता है।
आपको मालूम है कि इन महान सर फैमिलीज के पास 150 से भी ज्यादा अलग अलग ड्रिंक रेसिपीज हैं। और आज मेरे पास है सोमरस, जो एक हर्बल लिक्योर है और इसको बनाया गया है 21 डिफरेंट इंग्रेडिएंट से, और हर एक इंग्रेडिएंट्स को बेस्ट जगह से, जहां पर सबसे बेस्ट बनती है, वही से मंगवाई गई है। जैसे कि सैफरन कश्मीर से मंगवाया गया है, जैसे कि पेपर जो केरल से मंगवाया गया है, सिनेमन का अगर बात करूं तो श्रीलंका से मंगवाया गया है, ऐसे और भी है जैसे अदरक, अश्वगंधा, जैत्री, जायफल, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और भी बहुत सारे हर्ब्स एंड ड्राई फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन। ऐसे स्पाइसेस और हर्ब्स का नाम सुनकर आप सोच रहे होंगे कि इससे तो पकवान बनता है, क्या इससे अच्छे ड्रिंक बन सकते हैं? फ्रेंड्स, सच में इससे बेहतरीन ड्रिंक बन सकते हैं। भाई मेरा एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि जब मैं शाही गुलाब का रिव्यू कर रहा था तब ना मुझे खुद डाउट था इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर कि न जाने ये क्या बन के आया है या कैसा होगा, बट शाही गुलाब जिस दिन मैंने पिया उसके बाद ना मेरा एक्सपेक्टेशन दुगुना से चौगुना हो चुका है, और मैं कंफर्म हूँ और मैं कॉन्फिडेंट भी हूँ कि ये भी उतना ही अच्छा होगा जैसे कि शाही गुलाब था। तो फिर क्वेश्चन आता है, अगर ये व्हिस्की, राम, जिन, वोडका ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर ये क्या है और कैसे बनती है? ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जब भी इस ड्रिंक का आनंद लीजिएगा तो ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत हद तक हेल्प करेगा इसका जो एरोमा है और नोट्स है प्रॉपर तरीके से समझने के लिए। तो चलिए समझ लेते हैं कि कैसे बना है। इस ड्रिंक को बनाने के लिए प्रीमियम क्वालिटी ग्रेन स्पिरिट को इस्तेमाल की जाती है। जी, अक्सर देखा गया है कि इंडिया में जितने भी ब्रांड्स अपना ड्रिंक्स को बनाते हैं वो मोस्टली मोलासेस को यूज करते हैं, बट यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ग्रेन स्पिरिट को इस्तेमाल की गई है। ग्रेन स्पिरिट में हर्ब्स, स्पाइसेस, ड्राई फ्रूट्स को स्टीपिंग करते हैं 5 से 15 डेज तक, और उसके बाद ट्रिपल डिस्टिल की जाती है पॉट स्टील से। जी हाँ, ये एक अद्भुत टेक्नोलॉजी है और ये इस प्रोडक्ट के साथ की जाती है। जी हाँ, कोई भी इंडियन ब्रांड को अगर देख लीजिएगा तो बड़ी मुश्किल से टू टाइम डिस्टिल होता है, बट यहाँ पर 3 times डिस्टिल किया गया है, सो दैट यू कैन गेट द प्योरेस्ट एल्कोहल। सो इट इज अ विंटेज एडिशन, और मुझे भी इससे ज्यादा मालूम नहीं है कि क्या है उसका सीक्रेट प्रोसेस ऑफ मेकिंग दिस ड्रिंक। इतना ही मैं जानता हूँ, तो इतना ही आपके साथ मैंने शेयर कर लिया। अल्कोहल का अगर बात करूँ तो इसमें 42.8% अल्कोहल है। बॉटल जो है ये 750 ml का बॉटल है, और इसका जो प्राइस है फिलहाल ये राजस्थान में 1080 में मिल रहा है, और वो भी बहुत सारा सब्सिडी देने के बाद, अदरवाइज ये ना 4000-5000 प्राइस करता। ये अभी तुरंत खरीद लीजिए क्योंकि बहुत कम पैसे में मिल रहा है। हालांकि ये पैन इंडिया में अवेलेबल नहीं है, बट बहुत जल्द आ रहा है पैन इंडिया में, क्योंकि शेखावती हेरिटेज हर्बल प्राइवेट लिमिटेड जो इसको पैन इंडिया में सेल कर रहा है, बहुत जल्दी एक्सपेंड कर रहा है अपना ब्रांड को सबके पास पहुंचाने के लिए। आपका खाली सपोर्ट होना चाहिए। चलिए इसको खोलते हैं और इसका आनंद लेते हैं, थोड़ा टेस्ट करते हैं और आपके साथ फ्लेवरिंग नोट को भी थोड़ा शेयर करते हैं कैसा बना है। तो चलिए, रिमेंबर, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। वाओ, कलर देखिए, ये क्या अमेजिंग कलर है। ये देखिए, प्रॉपर येलो कलर, मेरे देखिए शर्ट जैसा है ना, परफेक्ट येलो मैं बोलूंगा। हालांकि इसमें आर्टिफिशियल कलर दिया गया है, 150A को इसमें इस्तेमाल की गई है, बट ये ना विस्की का कलर है, ना रम, ना जिन, ना वोडका का कलर है, एकदम अलग है, और इसलिए मैं बोलता हूं कि ये है हेरिटेज लिकर ऑफ राजस्थान। क्या बताऊं, मतलब मैंने जैसे ही इसको खोला तो यहां पर ना वो इंडियन स्पाइसेस का फीलिंग मुझे आ रही है, जैसे कि होता है ना जो हर्ब्स का फ्लेवर साथ साथ सिनेमन का फ्लेवर, बहुत कुछ मिल रहा है। चलिए टाइम ज्यादा ना गवाते हुए नोस कर लेते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मैं जो अल्कोहल का भपका होता है ना, आप जैसे ही खोलेंगे और नोस में लेंगे, सामने ला के लेंगे, तो भी वो अल्कोहल का भपका आपको नहीं मिलता है।
एंड डोमिनेटिंग कोई भी फ्लेवर नहीं है, सब बैलेंस फ्लेवर है। मैं बताऊंगा, जैसे कि मुझे हिंट ऑफ क्लोव का नोज आ रहा है, हाँ, और मैं बोलूंगा कि पेपर का नोट भी मुझे मिल रहा है, साथ साथ सैफ्रन, जी हाँ, सैफ्रन का भी बहुत अच्छा नोट मिल रहा है। क्या हुआ, तो फ्लेवर का ब्लास्ट हो चुका है घर में। और अभी थोड़ा सिप कर लेते हैं। स्मूथ, जी हाँ, ये है मेरा पहला वर्ड इस ड्रिंक के साथ। मुझे अल्कोहल का जो ओवरपावरिंग नोट है वो बिल्कुल नहीं लगा, हालांकि ये 42.8% अल्कोहल है। फ्रेंड्स, साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बिल्कुल अलग है राम जिन वोडका के साथ, इसका कोई संबंध नहीं है। ये एक अद्भुत ड्रिंक है। लास्ट टाइम मेरा सेम एक्सपीरियंस हुआ था शाही गुलाब के साथ, और इस बार भी सेम एक्सपीरियंस हो रहा है। उस टाइम के साथ मैं एकदम मैच कर पा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा ब्लाइंड हो गया था, मैं क्या बोलूँ। इस बार भी ऐसा ही हाल है, क्वाइट यूनिक लग रहा है, क्वाइट एक्सेप्शनल लग रहा है। मैं बहुत विस्की टेस्ट किया हूँ, बट ये जो इतने सारे हर्ब्स इकट्ठा, इतने सारे स्पाइसेस इकट्ठा, मैं कभी भी टेस्ट नहीं किया हूँ, तो क्वाइट, मैं क्या बताऊँ, मतलब शब्दों से अगेन मैं बयां नहीं कर पा रहा हूँ। जिस दिन आप पीजिएगा उस दिन आप खुद लिखिएगा कि दादा मेरे साथ भी सेम एक्सपीरियंस हुआ है, मैं भी बहुत एंजॉय किया हूँ। तो एक क्वेश्चन जो आपके मन में अभी भी घूम रहा है वह है कि ये इसको पिए तो कैसे पिए। तो फ्रेंड, मैं बोलूँगा कि इसमें आपको मैं तीन सजेशन दूंगा। एक, नीट, बिल्कुल ट्राई कीजिए, ये काफ़ी फैंटास्टिक है और ये कहीं ना कहीं विस्की का आसपास जाता है, तो आप इसको नीट ट्राई कर सकते हैं। सेकेंड, मैं बोलूँगा एक बड़ा सा आइस क्यूब इसमें डालिए और स्लोली आहिस्ता आहिस्ता इसको पीजिए। अदरवाइज लॉट्स ऑफ क्रस्ट आइस एंड दिस ड्रिंक। ये तीन सजेशन से आप बेस्ट एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब बताओ फ्रेंड्स फाइनल कंक्लूशन में, तो पहले मैं बताऊंगा दिस ड्रिंक इज डिफरेंट। जी हाँ, ये बिल्कुल अलग एक ड्रिंक है, मेड विद द बेस्ट नेचुरल इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम नेचर, और मैं बोलूंगा इस ट्रू वैल्यू फॉर मनी, बेस्ट फॉर कॉकटेल्स। जी हाँ, आप बहुत बेहतरीन कॉकटेल इस पर्टिकुलर सोमरस से बना सकते हैं। गॉर्जियस लुकिंग बॉटल, जी हाँ, इसको मैं कैसे भूल पाऊंगा। एंड बेस्ट फॉर गिफ्ट, किसी को दीजिए वो बहुत खुश हो जाएगा। फ्रेंड्स, हम इंडियन में काबिलियत है अच्छे ड्रिंक्स बनाने के लिए, हम में वो सारे हुनर हैं जो स्कॉटलैंड में मिलते हैं, फ्रांस में मिलते हैं या अदर कंट्रीज में मिलते हैं। हम लोग भी जानते हैं कि बेहतरीन ड्रिंक को कैसे बनाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए। फ्रेंड, हमें अगर आपका सपोर्ट मिलते हैं तो हम लोग भी विश्व के दरबार में एक यूनिक ड्रिंक के तौर पे दिखा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर सच में अच्छा लगता है, सच में, देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को। मिलेंगे बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रेस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।